जय श्री माँ का लरियर। आत्मविश्वास सेल्फ ट्रस्ट तभी बढ़ता है जब जीवन में जागृत दृष्टि में अध्ययन होता हो। जागृत दृष्टि में ही अध्ययन होगा, बात निश्चित। और जागृत अध्ययन में ही समझना होता है। जब जागृत दृष्टि होगी तभी आप अध्ययन कर पाएंगे और तभी समझ पाएंगे, है ना। दृष्टि नहीं रहेगी, आंखें नहीं रहेगी, आप पढ़ रहे हो फिर भी कुछ नहीं समझ पाओगे, ठीक है। देख के भी नहीं पकड़ पाओगे आप। आंखें तो बटन है मानव की, क्या देखेगा आप, दो कौड़ी देख पाए, कुछ देख ही नहीं पाएगा। आंख से देखना ही नहीं होता है, ठीक है। अध्ययन आंख से नहीं होता, ठीक है ना। तो दृष्टि ये त्रिनेत्र है, ठीक है, जो मानव जाति की अपनी अकल और अपनी समझ उसकी अध्ययन से बढ़ती है, ठीक है। और उसके लिए अपनी दृष्टि जागृत करने के लिए लगातार खोज होना चाहिए। जो जागृत दृष्टि में ही अध्ययन होता है और जागृत दिशा से ही अभ्यास होता है और जीना होता है। जब एक बार अध्ययन हो गया है, जब समझना हो गया है, तो समझ के अब उसको सही मार्ग मिलता है, सही दिशा मिलती है, और सही दिशा प्राप्त करके ही फिर दिशा में दर्शन होता है, दिशा में मानव जाति का जीना होता है। मार्ग में चलते हुए ही दर्शन होते हैं, अर्थात उनको अनुभव होता है, और अनुभव होके फिर कला निखरती है, ठीक है। तो फिर आत्मविश्वास बढ़ता ही चला जाता है। जब कला निकलती है तो मतलब एनलाइटमेंट हो गया। तो यही होना है हर मानव जाति में, हर मानव जाति में आत्मविश्वास बढ़ाना है। दूसरों में विश्वास नहीं करना, पहले अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है। दूसरों में हम जितना ट्रस्ट करने जा रहे होंगे, आप सिर्फ आस्था विधि से उन पे मानते रह जाओगे उनको। आपको सिर्फ भगवान पे विश्वास है, स्वयं पे आत्मविश्वास नहीं है, दो कौड़ी का नहीं है अभी आत्मविश्वास, ठीक है ना। आपको दूसरे मानव पे विश्वास है, और फिर वो जब वो तोड़ता है और जब वो धोखा देता है तब आपका विश्वास टूट जाता है। तो काय का विश्वास, आपको स्वयं पे आत्मविश्वास था ही नहीं, अपनी आत्मा पे विश्वास था ही नहीं। जो बात आत्मा से सुनी जाती है, आत्मा से देखी जाती है, आत्मा से बोली जाती है, वो आत्मविश्वास होता है। तो ध्यान रखिए, जब जब आत्मविश्वास बढ़ा तो महत्व बढ़ा, तो समझने में ही आत्मविश्वास बढ़ता है, याद रखिए कभी भी, ठीक है। समझने में ही आत्मविश्वास बढ़ता है। जब जब हम जागृत दृष्टि से अध्ययन करते हैं तो हमारा समझना होता है, जागृत दिशा में चलते हुए हमें जीना होता है, ठीक है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और जागृत कला के लिए आपको अनुभव होता है, समझाना होता है, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो यही तो चाहिए, आत्मविश्वास बढ़ा तो आत्म महत्व बढ़ा, ठीक है। परंतु अब यदि मानव निरंतर सिर्फ भ्रमित अध्ययन करेगा, भ्रमित दृष्टि में अध्ययन करेगा, तो क्या होगा। अध्ययन भ्रमित दृष्टि में कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ वहां, ध्यान रखिए, सिर्फ उलझेगा ही उलझेगा, सिर्फ उलझना ही होगा। मानव का चश्मा और कुछ लगाया, और कुछ देख रहा है, और कुछ सुन रहा है, तो सिर्फ उलझेगा ही उलझेगा। कोई भी फील्ड ले लो, कोई भी प्रोफेशनल ले लो, कोई भी पर्सनल मैटर ले लो, कोई ऑफिशियल ले लो, है ना, सोशली ले लो, फाइनेंशियली ले लो, मेंटली ले लो, साइकोलॉजी इमोशनली ले लो, कोई भी ले लो, सेक्सुअली ले लो, कोई भी ले लो, उलझेगा ही उलझेगा, बात निश्चित है। तो भ्रमित दृष्टि में अध्ययन करने से सिर्फ मानो उलझता रह जाता है, ठीक है। इसलिए वहाँ पे वो दुखी पीड़ित में रहता है, संकट में रहता है।
कष्ट में रहता है, उलझता रहता है छोटी छोटी बात को लेके, बड़ी बड़ी बात को लेके, ठीक है, क्योंकि शिक्षा ही नहीं हुई, भ्रमित शिक्षा हुई, मानो भ्रमित विद्या हुई, है ना, आत्मविद्या नहीं हुई, आत्मज्ञान नहीं हुआ, ठीक है, भ्रमित, फिर दिशा में से अभ्यास करते करते जिंदा रहना होता है सर। यदि भ्रमित दिशा में चल रहा है तो उसको क्या नज़ारे दिखेंगे, अब वो पूरा टूरिज्म घूम के भी आ रहा है, ठीक है, मान लो स्विट्जरलैंड घूम के आ गया, मनाली घूम के आ गया, अमेरिका घूम के आ गया, यूके घूम के आ गया, ऑस्ट्रेलिया घूम के आ गया, बड़ा बड़ा कहीं कहीं घूम के आ गया, तो भी ये चांद पे होके आ गया, तो भी वो उदास बैठे रहेगा, जिंदा बैठे रहेगा, मातम में बैठे रहेगा, एज ए ग्रिफ में रहेगा, वो एज ए एपैथी में रहेगा। तो ध्यान से सुनिए, जब जब मानव अभ्रमित अभ्यास में रहेगा तो सिर्फ जिंदा ही रहना होगा, लाश की तरह रहेगा, जिंदा लाश की तरह चलता रहेगा, ठीक है। और भ्रमित अब यदि मानव कला करता है, ठीक है, भ्रमित कला के लिए आदमी भ्रमित अनुभव प्राप्त करता है, और भ्रमित अनुभव करके सिर्फ भ्रमित कला ही करने वाला है, ठीक है ना, उटपटांग कुछ भी बनाया जा रहा है, क्या करेगा, बुर्ज खलीफा बना दे रहा है, एक और खलीफा बना रहा है, ठीक है, चाइना वाले ने डैम बना दिया इतना बड़ा कि पृथ्वी की एक्सिस ही बदल गई, ठीक है, इतना बड़ा बांध बनाया, इतना बड़ा डैम बनाया कि पृथ्वी की एक्सिस ही चेंज हो गई कुछ डिग्री। तो ये सब भ्रमित कलाएँ हैं और भ्रमित अनुभव से हुआ, ठीक है, इसलिए उनके जीवन में कभी आत्मविश्वास नहीं बढ़ सकता, कितना भी वो कितना भी कला बना लें, कितना भी आर्टिस्ट बना लें, कितना भी ताजमहल बना लें, बड़ा बड़ा कुछ भी कला कर लें, मानो कितने भी अच्छी कलाएँ बना लें, कितनी भी अच्छी मूर्ति बना लें, कितने अच्छे भी बाहर से आर्टिस्ट हो जाए, वहाँ पे बात नहीं होगी, बात ये होगी कि मानव में आत्मविश्वास हुआ कि नहीं, यहाँ सिर्फ आत्मविश्वास घटेगा ही घटेगा। भ्रमित कला के लिए अनुभव जो भी प्राप्त करेगा तो सिर्फ उलझाएगा ही उलझाएगा। आज हर मानव जाति एक दूसरे को उलझा रही है, क्यों, क्योंकि भ्रमित शिक्षा हुई, भ्रमित अध्ययन हुआ, भ्रमित अभ्यास हुआ, और भ्रमित अनुभव करके वो सिर्फ और सिर्फ उलझ रहा है, जिंदा रह रहा और उलझा रहा है, इसलिए वो पीड़ित है, उसको पता ही नहीं कि क्या फेज हो रहा है। अब लोग इसलिए डिप्रेशन में जा रहे हैं, एन्जाइटी में हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन में हो रहे हैं, इरिटेशन में हो रहे हैं, टेंशन में हो रहे हैं, ठीक है, उनका जीवन तहस नहस हो जा रहा है, क्योंकि उनके जीवन में आत्मविश्वास नहीं है, भय है। जिनको आत्मविश्वास नहीं व्याप्त होता उनके जीवन में सिर्फ भय होता है। तो याद रखिए, आत्मविश्वास बढ़ा तो महत्व बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगी, और आत्मविश्वास घटा तो वैल्यू घटेगी, ठीक है। बाहरी वैल्यू नहीं बोल रहे हम, बाहरी महत्व नहीं बोल रहे हम, आंतरिक महत्व बोल रहे हैं, आंतरिक में विश्वास ही नहीं, मानो को भय है, ठीक है, और कमाना और कमाना और करना और करना, कितना करोगे, भय रह गई ना, भय रह गई, क्योंकि मानो को ना जागृत दृष्टि प्राप्त हुई है, न जागृत दिशा, न जागृत कला, क्या करो, तो सिर्फ मानव इसलिए उलझ रहा है, जिंदा रह रहा, उलझा रहा है। सो दैट्स वाई वी आर ट्राइंग टू टेलिंग यू, तो ट्रस्ट इंक्रीजेस सो वैल्यू इंक्रीजेस, ट्रस्ट डिक्रीजेस वैल्यू डिक्रीजेस। अपने जीवन में आत्मविश्वास बढ़ाइए, आप में स्वयं में आत्मविश्वास बढ़ाइए, दूसरों में विश्वास मत करिए, आप में स्वयं में आत्मविश्वास होगा तो हर मानव जाति में विश्वास होगा। और यदि आप सिर्फ ब्लाइंडली एक को दूसरों के ऊपर विश्वास कर रहे हो और बाकी किसी पर नहीं कर रहे हो तो वो सिर्फ भय है। आत्मविश्वास सिर्फ आपको एक कराएगा, ठीक, एक ही कराएगा,
वन एकता लाएगा आपके जीवन में, इक्वालिटी लाएगा, समतत्व लाएगा, और यही लाना है। ठीक है जी, तो इसलिए अपने जीवन में आत्मविश्वास बढ़ाइए, भय अपने आप मुक्त हो जाएगा। तो भय से ही मुक्ति चाहिए, हर मानव का लक्ष्य भय से मुक्ति है, परम लक्ष्य हर मानव जाति का भय से मुक्ति, धन का भय, पद का भय, मान का भय, मृत्यु भय, ये सिर्फ मुक्त होगा सिर्फ और सिर्फ आत्मविश्वास के बल में, आत्मविश्वास की स्थिरता। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।